अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और बहुत तेज बारिश लगी हुई है अभी, बहुत ज्यादा तेज बारिश। जबकि कल रात को तो लग ही नहीं रहा था कि बारिश आएगी, और अभी बहुत तेज बारिश लगी हुई है। सुबह 5 बजे मौसम कैसा हो गया था, मतलब बारिश बारिश बारिश, और इतनी भयंकर बारिश आ जाई कि तूफान सा आ गया, और मुझे लगा कि आज बादल फटेगा पक्का, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश आ गई थी आज। और अभी 11 बज रहे हैं और मौसम देखिए, बढ़िया सी धूप लगने लग चुकी है, हल्की हल्की धूप, और लग ही नहीं रहा है कि आज बारिश आई होगी। तो ऐसा मौसम हो जाता है, ये पहाड़ नहीं ये जज्बात से बन गए हैं कि कभी भी बदल जाते हैं। तो ऐसे कुछ हाल है आजकल, आजकल पता ही नहीं लग रहा है कि आजकल गर्मियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, कि बरखा का मौसम है, पता ही नहीं चल रहा है आजकल। तो यार अभी खेत में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ये मंदिर है, जय हो भगवान जी। तो यहाँ पर ऐसा मंदिर है, कुछ पेड़ है, इसको खिलोक का पेड़ बोलते हैं, और यहाँ पर पूजा करते हैं हम लोग कभी कभी जब संक्रांति होती है। तो अभी मैं खेत में जा रहा हूँ और देखते हैं कि वहाँ पौधे कितने बड़े हुए हैं, और आपको भी दिखाता हूँ कि कितने बड़े बड़े पौधे हुए हैं जो हमने बहुत पहले लगा दिए थे, ककड़ी के पौधे, मिर्च के पौधे और अन्य चीज़ों के पौधे कितने बड़े हो गए हैं, यही देखने मैं अभी जा रहा हूँ। और खेत में कहाँ जा रहा हूँ मैं, यहाँ हमारे ज़्यादातर खेत हैं, सबसे ज़्यादा खेत हमारे यहीं है। तो यहाँ गदेरा बहता है, और इधर भी खेत है, उस साइड एक दो खेत है, तो वहाँ हमारे खेत हैं। तो गदेरा तो वाओ वाओ वाओ, आई लव गदेरा, आई लव यू गदेरा। पहाड़ी फल भी कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार के पहाड़ी फल होते हैं। और अभी एक मेरे सामने पर एक पौधा है और उस पर खैणा लगे हुए हैं, खैणा पहाड़ी फल, खैणा जो कि जड़ों पर लगते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं खैणा खैणा खैणा। तो यहाँ पर देखिए, ये है खैणे का पेड़, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस पे खैणा लगे हुए हैं, मतलब खाने के लिए होते हैं जब ये पक जाते हैं तो। और देखिए ऐसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं खैणा, देखिए देखिए देखिए, वाह वाह वाह। अभी ये पके नहीं है, अभी तो बिल्कुल कच्चे हैं और बहुत ही कठोर हैं अभी, लेकिन अभी पके नहीं है ये। और यहाँ पर बह रहा है गदेरा, और गदेरे में चलने का मजा ही कुछ और है, मतलब अलग ही लेवल का। और यहाँ पर हिस्त्री का पौधा है, लेकिन हिस्त्री हो चुकी है, खत्म हो चुकी है हिस्त्री, खत्म हो चुकी है। और गदेरा गदेरा गदेरा, और यहाँ मछलियां भी आ चुकी होंगी आजकल, क्योंकि गदेरा आ चुका है। तो फिर से करते हैं किसी दिन, यहाँ मछली मारते हैं इस गदेरे में, फिशिंग करते हैं इस गदेरे में, तो मजा आ जाएगा। और यहाँ पर एक खेत, और इसमें यहाँ पौधे बोर के हैं, तो ये तो कबाड़ है पूरा, और ये है चचिंडा के लगले, यानी ये पौधे किसके हैं, ये हैं तोरणे के लगे, तोरई होती है जो, उसके पौधे हैं ये। और खीरा के पौधे देखिए, खीरा दिखाता हूँ मैं आपको, खीरा घरिया ककड़ी, ये तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और अगस्त तक इनमें ककड़ी लग जाएंगी। और राई देखिए इस खेत में कितनी बड़ी हो रही है, राई, हरी भरी राई, वाओ 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 वाओ। राई इतनी बड़ी होती है ना यार, पूछिए मत आप, बहुत ही बढ़िया होती है, बढ़िया क्वालिटी की। और इसको एक ही पौधा और का है अभी फिलहाल, तो इसको हम कड़ी में डाल देंगे, तो मज़ा आ जाएगा इसको कड़ी में डाल के, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाएगी कड़ी। तो मैं अभी यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ ऊपर वहाँ हमारे बैल हैं, तो उनको लेने जाता हूँ। मत बोल दुलियो, और ये है हमारे ताई, ये है मेरे ताई जी जो घास ला चुके हैं। हाँ ना ना, वहाँ है वो मोतू मोतू जाओ, मैं मोतू दर हाँ। तो अभी मोतू जा रखा है बैल चराने, मैं नहीं जाता हूँ, ज्यादातर वही जाता है बैल चराने। तो मैं अभी बैलों को लेने जा रहा हूँ, और वहाँ देखने जा रहा हूँ कैसा दृश्य है वहाँ, क्योंकि जंगल को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और नीतू भी आ चुकी है घास से, और यहाँ से लुक रही है। नीतु भी आ चुकी है अभी, इन हेलो बोले तो बढ़िया थी गाने दो। तो हमारे बैल अभी जंगल में जा रखे हैं, मत्तू ने ले जा रखे हैं वो, मत्तू को तो आप पहचानते ही होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा उसे। तो अभी मैं जंगल में जा रहा हूँ, और जंगल बहुत ही नज़दीक है हमारे घर से, और मुझे पता नहीं क्यों लेकिन जंगल बहुत ज़्यादा पसंद है। भले ही मैंने अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में आई लव पहाड़ नहीं लिख रखा, पहाड़ी नहीं लिख रखा है,
लेकिन फिर भी आई लव जंगल। तो ये है मेरे ताई और ओके गोर यानी गाय। ओ ले 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 जा घर जा जा घर जा चल ले ओ ओ जा जा। और जैसे ही मेरे ताई वहाँ पर है और मेरे ताई वहाँ पर गई तो वो पीछे से आ जाते हैं। तो जो जंगल के वोर होते हैं यानी जंगल के पशु होते हैं, तो वो जैसे ही अपना उनका मालिक घर गया तो वो पीछे से खुद ब खुद घर आ जाते हैं। तो ऐसे होते हैं जंगल के पशु। जैसे मेरी ताई औरों के वो गाय थी तो वो मेरी ताई जैसे ही घर गई तो वो भी घर चले गई, गाय घर चले गई। और मेरे को देख के तो वो डर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा देखा नहीं है इसलिए डर रही थी। मैं अभी वहाँ से आया यहाँ, पहले खेत में गया फिर यहाँ से यहाँ आ गया और अभी देखता हूँ कि हमारे बैल कहाँ पे हैं, उन्हें घर लाते हैं, जल्दी से उन्हें घर ला देते हैं क्योंकि अब टाइम हो चुका है। और वहाँ ऊपर पर मुझे अपने बैल दिख चुके हैं तो वहाँ पर जाता हूँ क्योंकि बहुत दूर आना पड़ा मुझे, तो वहाँ पर जल्दी से जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ हमारे बैल कैसे चल रहे हैं, जंगल में कैसे चल रहे हैं। और यहाँ पर बैठा हुआ है मत्तू, इसको आप बहुत पहले से पहचानते होंगे, तो कितने मज़े से बैठा हुआ है यहाँ पर। और बैल है यहाँ पर लालू, ओ लालू। और अभी वो घास चरने पे लगे हुए हैं, वहाँ पर सामने पे दिख रहा होगा आपको। और अभी ये बैल भाग चुके थे, उधर भाग चुके थे, तो अभी मत्तू इन्हें वापस ला चुका है। ये हमारा कालू, कालू 1146 1146। और इस पर डांस देख सकते हैं, ये मच्छर होते हैं जो गाय को खाते हैं, गाय भैंसों को बहुत खून चूसते हैं, तो इनको मारना पड़ता है नहीं तो ये खा देते हैं भैया। चल कालू गौर जा, ये है लालू, लालू जो पेट देख सकते हैं, इनका पेट फुल हो चुका है अभी क्योंकि घास तो चर लिया है इन्होंने। तो यहाँ पर पूरा खून निकाल दिया है कालू के डांसों ने, डांस बहुत भयंकर होते हैं, मतलब बहुत चटकाते हैं ना, जब चटकाते हैं बहुत भयंकर से काटते हैं। और इस पे नहीं लग रहे हैं डांस, पता नहीं क्यों, ये लाल कलर का इसलिए नहीं लग रहे हैं, लालू लालू इसलिए नहीं लग रहे इस पे डांस। और इस पे देख सकते हैं डांस कैसे होते हैं, यहाँ देखिए हई हई खाने जो, और डांस देखिए इस पे लग रहे हैं डांस, जो कि बहुत तेज काटते हैं। इस साइड तो पूरे ही उड़ रहे होंगे, हल्के हल्के उड़ रहे हैं ये, तो ये ऐसे खा देते हैं ना इनको, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनको मार देते हैं, तो ऐसे में मारना पड़ेगा इनको। यहाँ पर देखिए तो इन्होंने इसके बुरा हाल कर दिया है खा खा के, और सीधे खून चूसते हैं ये बहुत ज़्यादा। तो बैलों को हम उसी टाइम घर ला गए थे और मेरे फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आज लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा डिम लाइट है, तो इस वजह से आज फोन में चार्ज ही नहीं है आजकल, तो आजकल ऐसे ही हो रहा है क्योंकि बारिश आ रही है, तो बारिश आ रही है तो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो बारिश कुछ भी नहीं है, तो लाइट नहीं है तो मतलब बारिश आ रही है कुल मिला के। तो अभी शाम को बजने लगा हुआ 6:39 हो रहे हैं और बढ़िया सा मौसम है, मतलब खुशनुमा सा मौसम, चिड़िया चहचहा रहे हैं, बादल विचरण कर रहे हैं और पीछे फूल खिले हुए हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी के साथ आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।